हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, स्टूडेंट्स आपको मैं चैप्टर 6 द मिस्टीरियस लंच बॉक्स पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करा चुकी हूँ। इसके बुक में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको इसका बुक वर्क कराऊंगी जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि पेज नंबर 48 और 49 पर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम जरा स्टोरी के अकॉर्डिंग बुक वर्क करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन, हाउ डिड रिद्धि गेट ए न्यू लंच बॉक्स। रिद्धि को नया लंच बॉक्स कैसे मिला? इसमें दो ऑप्शन है बच्चों। ए ऑप्शन है हर मदर बॉट ए न्यू वन फॉर हर, उसकी मम्मी ने उसके लिए न्यू लंच बॉक्स खरीद दिया था। या फिर दूसरा है इसका ऑप्शन, रिद्धि बॉट ए न्यू वन बाय सेविंग हर पॉकेट मनी, या रिद्धि ने अपनी पॉकेट मनी को सेव करके खरीद लिया था। तो कौन सा पढ़ा बच्चों आपने स्टोरी में? दूसरे वाला, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बी को टिक कर दिया। नंबर 2 वाला है बच्चों, इसमें व्हाट डिड रिद्धिज मदर ऑलवेज पैक इन हर लंच बॉक्स। रिद्धि की मम्मी हमेशा लंच बॉक्स में क्या चीज़ पैक करती थी? सैंडविच पैक करती थी या बर्गर और पिज़्ज़ा पैक करती थी? तो बच्चों आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी, आपको पता चला होगा कि इसमें रिद्धि की मम्मी उसके लिए लंच बॉक्स में हमेशा सैंडविच पैक करती थी। नंबर 3 है ये आपका, विद हुम वॉज रिद्धिज लंच बॉक्स गेटिंग मिक्सड अप। किसके साथ रिद्धि का लंच बॉक्स मिक्सड हो गया था, ठीक है। तो इसमें हमने स्टोरी में पढ़े हैं, एक तो अमित था उस और एक सुमित। तो आपने देखा होगा कि सुमित तो स्टोरी में कहीं बात ही नहीं हुई है सुमित की, तो ठीक है। और स्टोरी में हमने केवल अमित पढ़ा और अमित के साथ ही उसका लंच बॉक्स चेंज हो गया था, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर नंबर 4 पर आइए। एवरी मॉर्निंग रिद्धि चेकड हर लंच बॉक्स एट। हर सुबह रिद्धि कहाँ पर अपने लंच बॉक्स को चेक करती थी? स्कूल में या बस स्टॉप पर। कहाँ पे करती थी बच्चों? बस स्टॉप पर, है ना। तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया द बस स्टॉप को। तो ये बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज ए बताई, इसके बाद जरा हम एक्सरसाइज बी पर चलेंगे। लुक एट द सेंटेंसेज, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स इन द ब्रैकेट्स। देखिए अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें सेंटेंस को पढ़कर। रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस अंडर ईच रॉन्ग वन। देखिए यहाँ पर हम केवल बच्चों ट्रू फॉल्स पर ध्यान करेंगे, है ना। देखिए हम इस वाली बात को छोड़ देंगे, रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस अंडर ईच रॉन्ग वन, इस ये कुछ नहीं। केवल आप छोटी क्लास में सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको केवल ट्रू फॉल्स सेंटेंस को पढ़कर पता करना है। देखिए, रिद्धि सेव्स हर मनी इन बैंक। रिद्धि अपनी मनी को बैंक में सेव करती थी? नहीं। कहाँ करती थी? वो पिग्गी बैंक में सेव करती थी। पिग्गी बैंक होता है बच्चों गुल्लक में। तो अगर पिग्गी बैंक आएगा तो आपको लिखना है ट्रू, ठीक है। और अगर बैंक में आएगा तो आपको क्या लिखना है? फॉल्स, ठीक है। पहला बैंक बताया मैंने आपको। नंबर 2, रिद्धिज लंच बॉक्स इज़ ब्लू इन कलर। रिद्धि का लंच बॉक्स ब्लू कलर का था। ब्लू कलर का था या नहीं बच्चों? नहीं था। कौन से कलर का था? पिंक। अगर पिंक कलर आता है तो आपको ट्रू लिखना है, अदरवाइज आपको फॉल्स लिखना है। नंबर 3, रिद्धि लाइक्स सैंडविच वेरी मच। रिद्धि को सैंडविचेस बहुत पसंद थे। रिद्धि को पसंद थे या नहीं बच्चों? उसको पसंद नहीं थे। उसको क्या चीज़ पसंद थी? उसको तो बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, और कपकेक वगैरह, ये सब चीज़ें पसंद थी जो कि अमित लेके आता था। तो यहाँ पर बच्चों ये फॉल्स हो गया। और अगर यहाँ पर समथिंग अदर होगा तो हमें क्या करना है? ट्रू लिखना है। ये जो मैंने यहाँ पर पिग्गी, पिंक, समथिंग अदर ये लिखे हैं, इसका मतलब अगर ये आते हैं तो आपको उसके सामने ट्रू लिखना है, और अदरवाइज़ एज इट इज सेंटेंस है तो आपको जो मैंने इधर लिखे हैं आपको ये ही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 4, लंच बॉक्स हैज़ 3 सिल्वर कॉइन्स ऑन टॉप। लंच बॉक्स के ऊपर 3 सिल्वर रिंग्स बने हुए थे। ट्रू, ये बात सही है, इसलिए हमने ट्रू लिख दिया। नंबर 5, रिद्धि वेंट टू कैंटीन फॉर द लंच। रिद्धि लंच के लिए कैंटीन में गई, ये बात भी सही है क्योंकि वो गई थी कैंटीन में। नंबर 6, रिद्धि लव्स टू हैव चपातीज इन लंच। लंच में रिद्धि को चपाती खाना पसंद था, अच्छा लगता था। लगता था या नहीं बच्चों? नहीं लगता था, तो इसलिए हमने फॉल्स लिखा। अगर यहाँ पे चपातीज के प्लेस पर जंक फूड आएगा तो हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट, अमित इज़ फॉन्ड ऑफ सैंडविचेस। अमित को सैंडविचेस अच्छे लगते थे, अमित सैंडविचेस का शौकीन था, तो वो था, क्योंकि जो रिद्धि लेकर आती थी वो लंच बॉक्स जब उसे चेंज हो जाता था तो अमित बड़े शौक से खाता था, है ना। तो यहाँ पर सैंडविचेस वाला अमित के लिए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8, रिद्धिज बेस्ट डिस्कवरी इज़ फाइंडिंग ए न्यू फ्रेंड।
रिद्धि की सबसे बड़ी खोज क्या हुई इस स्टोरी में, कि उसको एक नया फ्रेंड मिल गया था, और वो नया फ्रेंड कौन था, अमित था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया ट्रू। तो इसके बाद हम बच्चों जरा एक्सरसाइज नंबर सी को देखते हैं, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं बच्चों क्या करना है। द पिंक बॉक्स हैड थ्री डैश सर्कल्स ऑन इट, तीन क्या चीज़ थे उस पिंक लंच बॉक्स के ऊपर, मैजिकल सर्कल्स, तो हमने यहाँ पर मैजिकल लिख दिया। नंबर टू, रिद्धि पुट हर बॉक्स केयरफुली ऑन हर, रिद्धि ने बहुत ध्यान से अपने लंच बॉक्स को कहाँ पर रख दिया था, डेस्क के ऊपर रख दिया था, है ना। तो और उसके बाद वो कहाँ चली गई थी लंच के लिए, कैंटीन में चली गई थी। माई डैश है मस्ट बी मैजिकल रिद्धि सेड, रिद्धि ने कहा मेरा मैजिकल है क्या चीज़, लंच बॉक्स, है ना। तो यहाँ पर लंच बॉक्स हमने फिल कर दिया। नंबर फोर, अमित मदर पैक्ड डैश एवरी डे फॉर हिज लंच, अमित की जो मम्मी थी वो लंच में रोज़, एवरी डे मीन्स रोज़ डेली, क्या चीज़ पैक किया करती थी, लेफ्ट ओवर्स, जो बचा कुचा होता था वो अमित की मम्मी पैक कर देती थी। और उसमें क्या क्या चीज़ें होते थे, कपकेक होती थी उसमें, और आपका स्लाइस ऑफ ये होते थे क्या नाम, पिज़्ज़ा, और कुछ ऑरेंजेस होते थे, है ना। अब लास्ट है बच्चों इसमें, रिद्धिज़ बेस्ट डिस्कवरी वॉज मैजिकली फाइंडिंग ए न्यू फ्रेंड, रिद्धि की जो सबसे अच्छी खोज हुई वॉज मैजिकली फाइंडिंग, कि उसे एक क्या मिल गया था, एक न्यू मित्र मिल गया था। तो यहाँ पर हमने न्यू के बाद फ्रेंड को फिल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको तीन एक्सरसाइजेस बताई बच्चों, ऑप्शनल, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये ध्यान से बुक में फिल भी करनी है और बच्चों लर्न भी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर मैं आपका कॉपी वर्क भेजूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।